नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं दोस्तों एक नया स्मार्टफोन जो कि टेक्नो स्पार्क 9 प्रो है। आज हम इस स्मार्टफोन की एज अ डिटेल रिव्यू जानने वाले हैं कि क्या क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशंस रहेगी, क्या प्राइस रहेगी, सब कुछ जानने वाले हैं यार इस वीडियो के अंदर। तो आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस स्मार्टफोन की डिटेल स्पेक्स क्या क्या रहने वाले हैं, जैसे कि क्या प्राइस रहेगी, कब तक लॉन्च हो जाएगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है, क्या डिस्प्ले रहने वाली है, क्या चिपसेट रहने वाला है, ऑल ओवर इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करने वाला हूं और डिस्प्ले के बाद में इसके अंदर फीचर्स की बात करूंगा। अगर डिस्प्ले की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है वह 6.6 इंचेस की डिस्प्ले रहेगी। ये IPS LCD डिस्प्ले रहने वाली है, 407 PPI पर बेस्ड है, 98 के रिफ्रेश रेट के साथ में बेजल लेस डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा शानदार और काफी बढ़िया डिस्प्ले हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, स्मार्टफोन की प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले काफी ठीक, काफी बढ़िया है। प्राइस की इंफॉर्मेशन एंड में जानेंगे। अगर हम बात करें इसके कैमरास की, क्या कैमरा फैसिलिटीज हमें इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर कैमरास की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ ही 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया और काफी शानदार रहेगा। अगर दोस्तों बात करी जाए इसके बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर हमें 5000 एमएएच का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों 18 वाट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार और काफी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो काफी शानदार फैसिलिटीज हमें ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करा रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। अगर परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात करी जाए तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम इसके चिपसेट को लेंगे, फिर इसकी प्राइस को लेंगे, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके परफॉर्मेंस में सबसे पहले रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को ले लेते हैं तो इसमें क्या रैम रहने वाली है। दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं और लॉन्च हुएंगे, वैसे भी मल्टीपल पर्पस पर लॉन्च हो रहे हैं, कोई 8GB 128GB में तो कोई 6GB 128GB में। पहले 4GB 64GB भी चला करता था, आजकल तो 12GB 256GB तक के भी वेरिएंट आ रहे हैं। तो इच्छा आपकी है, आप कौन सा वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं। चलिए अगर हम इसके चिपसेट की बात करते हैं, इसके अंदर चिपसेट क्या रहने वाला है। अगर चिपसेट की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें जो चिपसेट देखने को मिलने वाला है वह दोस्तों मीडियाटेक का हीलियो G85 हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी शानदार चिपसेट हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, प्रोसेसर क्या रहने वाला है। प्रोसेसर की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें ऑक्टा कोर का 2GHz पर बेस्ड है, लेकिन इसकी स्पीड और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर ड्यूअल कोर का 1.8GHz का चिपसेट लगाया गया है, CPU लगाया गया है, जो काफी हद तक इसकी प्राइस को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया और काफी शानदार रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्मार्टफोन की क्या प्राइस रहने वाली है। अगर प्राइस की बात करते हैं तो अप्रोक्स में 10,000 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया और काफी शानदार रहेगा। तो दोस्तों 10,000 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन में काफी तगड़ा स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्मार्टफोन को एज अ मानस बना रहे हैं लेने की या लेने की सोच रहे हैं, तो बेझिझक आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिटेल स्पेक्स, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।